सभी प्रशासनिक अधिकारी वो आवे और आके विसर्जन करा ले। ये कहने हम दुर्गा पूजा बैठाना ही बंद कर दें, नहीं करवाते हैं तो हम डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी को फैक्स करके इसकी सूचना देंगे कि यहाँ पर सफाई नहीं हुई है और इस तरीके की व्यवस्थाएं दुर्गा पूजा समिति के लिए पूरी कर ली गई हैं। तत्काल जो फॉल्ट आएगा उसके लिए स्टाफ जो है इमरजेंसी में उपलब्ध है, किसी भी प्रकार की असुविधा विभाग की तरफ से नहीं हो पाएगी, सारी व्यवस्थाएं पूरी। न्यूज 524 के सभी दर्शकों को नमस्कार। ये गोसाईगंज का तमसा तट है और यहीं पर गोसाईगंज नगर की प्रतिमाओं का विसर्जन होता है, क्योंकि यहाँ पर दुर्गा पूजा शुरू हो गया है और गोसाईगंज में 9 तारीख से दुर्गा प्रतिमाएं बैठ जाएंगी और उसके बाद जब कार्यक्रम संपन्न होगा तो यहीं पर दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन होगा। अब यहाँ पर हमारे साथ में आज दुर्गा पूजा कमेटी के जो है सदस्य और जागरूक व्यक्ति मौजूद हैं, तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि जो यहाँ पर पिछली बार दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन हुआ था, देख लीजिए यहाँ पर नगर पंचायत कितनी मनमानी है कि और लापरवाही आप इसको कह सकते हैं कि वहाँ पर अभी तक दुर्गा प्रतिमाओं का मलबा देख लीजिए पिछली साल का नहीं हटाया गया है और इसे जीवनदानी तमसा कहा जाता है। जब यहाँ पर जो है भगवान श्री राम वन को जा रहे थे तो यहाँ पर प्रथम पड़ाव किया था, इसलिए इसका बहुत महत्व है। तो सबसे पहले हम सीधा चलते हैं दुर्गा जो यहाँ पर केंद्रीय दुर्गा पूजा कमेटी के पदाधिकारी हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पर अध्यक्ष से बात करते हैं। भाई साहब जरा बताइएगा, कल आप लोग गए थे वहाँ पर जिलाधिकारी के यहाँ, कुछ ज्ञापन अपन दिए थे, आप लोगों को क्या यहाँ समस्याएं हैं और क्या मांग, पहले आप इसको बता दीजिए। समस्या तो सबसे बड़ी विसर्जन की है, सारी समस्याएं ठीक रहने से विसर्जन की समस्या है। जिस तरीके से नदी आप देख ही रहे हैं, नदी के नाम पे कुछ है नहीं, नाला बन गया है और ये सब इतनी गंदगी व्याप्त है काला से, सिर्फ इसमें नाले का पानी बह रहा है, इसमें विसर्जन करना किसी भी तरीके से नामुमकिन है। और कल डीएम साहब की बैठक में हमने स्पष्ट रूप से इस बात को रखा कि हमको दिलासीगंज घाट दे दिया जाए, हम अपना शोभा यात्रा टहलाएंगे, इसके बाद बगैर डीजे के सिर्फ मूर्ति ले जा करके वहाँ विसर्जन कर देंगे दिलासीगंज घाट पे, जिसमें प्रशासन को कुछ नया भी नहीं करना है। उसका कारण यह है कि दो दिन पूर्व दशहरा और भरत मिलाप के दिन वहाँ विसर्जन होता है और उसके बाद जैसे वहाँ सब कुछ बना रहेगा उसी पे जाके हम कर लेंगे, प्रशासन को कुछ नया नहीं करना है। मेरी बात का समर्थन हमारे माननीय जिलाध्यक्ष मनोज जायसवाल जी ने भी किया, उन्होंने कहा कि कई सालों से विगत मांग चल रही है, वहाँ विसर्जन लायक जगह नहीं है। और इसके बाद नगर विधायक आदरणीय वेद गुप्ता जी ने भी समर्थन किया और डीएम साहब से स्पष्ट रूप से कहा भी तत्काल मौके पे कि डीएम साहब उसको दिखवा लीजिए और दिखवा के इनकी व्यवस्था को सही करा दीजिए। ठीक है, हम आपसे जानना चाहते हैं यहाँ पर तीन चीज़ जो है, जब यहाँ पर दुर्गा पूजा शुरू हो जाता है तो यहाँ पर तीन चीज़ें जो हैं बुनियादी सुविधाएँ होती हैं, पहला होता है पानी व्यवस्था पेयजल की और दूसरा होता है बिजली, तीसरा होता है यहाँ पर प्रतिमाओं का विसर्जन। तो सबसे पहले आप बताइएगा कि यहाँ पर जो विसर्जन की व्यवस्था हर साल होती है, अब की आप लोग यहाँ पर क्या चाहते हैं, आप लोगों की क्या मांग है यहाँ पर? मेन मांग ये है कि हमको दिलासीगंज दे दिया जाए, वहाँ पर हम विसर्जन करेंगे। और रही बात बिजली की, बिजली विगत पूर्व जो अवर अभियंता रहते थे महीनों पूर्व ही पूरी तार की कसाई फंडी वगैरह बंधाई जहाँ लटक रहता सारी व्यवस्था करते थे, ये नए अवर अभियंता आए हैं, अभी तक ना इन्होंने कोई केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति से संपर्क किया और ना अभी तक हमको नहीं लग रहा कि कहीं कोई तार वगैरह कुछ ये ठीक कर रहे हैं। तो जब संपर्क ही नहीं कर रहे हैं तो क्या मालूम कैसे क्या चलेगा, ये भगवान भरोसे ही है, अब देखा जाएगा। कल हमने डीएम साहब के यहाँ भी कह दिया था कि अवर अभियंता ने अभी तक कोई संपर्क केंद्रीय समिति से नहीं किया है, अब क्या काम होगा ये बात की बात है, देखा जाएगा। तो अगर मान लीजिए बाई चांस यहाँ पर क्योंकि आप लोग इसकी हर बार मांग जो है करते हैं कि भाई जहाँ जो है प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए जहाँ समस्या है गंदगी रहती है और यहाँ पर पानी कमी रहती है, अगर मान लीजिए इस बार भी आप लोगों को जो प्रशासन दिलासीगंज में दुर्गा प्रतिमाएं विसर्जन करने के लिए इजाज़त ना दे तो आप लोग फिर आपको यहाँ पर किस प्रकार की व्यवस्था चाहिए? तो स्वयं आके विसर्जन कराए ना प्रशासन। अच्छा। किस पानी में कराएगा प्रशासन, किस हद पे जाके कराएगा भाई, मैं नहीं समझ पाता प्रशासन, ये ऐसे काले नाले के पानी में कोई मेरी आस्था है, मैं किस तरीके से अपनी 9 दिन पूजा करने के बाद मैं नाले में लेके डाल दूं, माननीय सभी प्रशासनिक अधिकारी हुए आवे और आके विसर्जन करा ले, ये कहने हम दुर्गा पूजा बैठाना ही बंद कर दें। अगर इस दुर्व्यवस्था के साथ हमको ये व्यवस्था मिलेगी तो मैं दुर्गा पूजा बैठाना ही बंद कर दूंगा। सही, तो जैसा कि यहाँ पर जो है दुर्गा पूजा कमेटी की जो
अध्यक्ष महोदय हैं ये काफ़ी नाराज़ हैं। अब हम सीधा चलते हैं जो है महामंत्री के पास। उदय सोनकर जी हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के नेता और गोसाईगंज के सभा क्षेत्र जी हैं। भैया बताइएगा जो यहाँ की तमसा की दुर्दशा, जैसा कि यहाँ पर जो है आपके अध्यक्ष जी बता रहे हैं कि आप लोगों ने मांग किया है कि भाई इसका जो है विसर्जन इस बार भी वहाँ पर जो है दिलासीगंज में हो, लेकिन अगर नहीं होता है तो जरा आप जो है तमसा की दुर्दशा के बारे में बताइएगा, क्या इस बार यहाँ पर कुछ हो पाएगा, बढ़िया व्यवस्था नहीं होगी? ये प्रशासन से मांग हम लोगों ने किया है, कल डीएम साहब के यहाँ डीएम साहब का आश्वासन मिला है कि हम जो है यहाँ पर अपने अधिकारियों को भी टीम के साथ भेजेंगे और उसकी जांच करवाएंगे, उसके बाद फिर जो निर्णय होगा लिया जाएगा। तो अपेक्षा यही है कि अच्छे पानी में हम लोग विसर्जन करें, लेकिन अगर नहीं होता है, नहीं कोई आदेश देती है सरकार, तो हम लोग विसर्जन करना यहाँ बंद कर देंगे, मूर्ति वहीं रहेगी और प्रशासन से कहेंगे कि वो आकर के विसर्जन करवाए। अगर यहाँ अच्छा पानी है उनके हिसाब से तो वो खुद आकर के विसर्जन करवा लें। ठीक है, एक चीज़ हम आपसे और जानना चाहते हैं, क्योंकि आप मौके पे जो है सत्ताधारी हैं पार्टी से हैं जी, और आप सभासद भी हैं। यहाँ पर अभी जब बरसात हुई थी तो यहाँ पर देखिए इतना, यहाँ पे जो मलबा है जी, पुपोई है, और जो पिछली बार वहाँ पे विसर्जन हुआ था उसका भी मलबा भी साफ हुआ नहीं कराया गया जो है यहाँ नगर पंचायत द्वारा, और इसका नतीजा हुआ कि पानी देखिए वहाँ पर सीढ़ियों पर पूरा जो है चढ़ गया था। ये नगर पंचायत प्रशासन की लापरवाही है, आप इसे क्या जो है कह सकते हैं आप? बिल्कुल, हम मौजूदा जो ईओ साहब हैं, चेयरमैन हैं, उनको भी कहेंगे कि इसकी सफाई करवाई जाए, पानी की व्यवस्था चाहे ऊपर मुख्यमंत्री तक उनको लिखना पड़े, वो लिखें और इसकी व्यवस्था करवाएं। और अगर नहीं करवाते हैं तो हम डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी को फैक्स करके इसकी सूचना देंगे कि यहाँ पर सफाई नहीं हुई है और इस तरीके की व्यवस्था है, गंदी व्यवस्था है। चलिए ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पर जो है आस्था के साथ हर साल ऐसे जो खिलवाड़ होता है, हालांकि जो है नगर पंचायत द्वारा जो सुविधाएं होती हैं वो दी जाती हैं और वो लोग कहते हैं भैया हमारे स्तर से पूरा काम होता है, लेकिन ये काम यही हुआ कि देख लीजिएगा एक साल होने को है और फिर यहाँ पर दुर्गा प्रतिमाएँ का विसर्जन फिर होना है, फिर आप दिखाइएगा एक बार। और यहाँ पर कई बार इसको अखबारों में छापा गया, मीडिया में चला, चैनलों पर चला, लेकिन नगर पंचायत के कानों में जू रहे यहाँ पर नहीं रेंग रहा है और यहाँ पर मलबा एक साल तक वहीं पड़ा हुआ है, इसको उनको हटाने का ना कोई जहमत नहीं उठाया गया। तो यहाँ पर जो है गोसाईगंज नगर के जो है समाज सेवी और जागरूक व्यक्ति हैं, भल्लू भाई जरा बताइएगा आप यहाँ की जो अव्यवस्था, इस पर आपका क्या कहना है और आप लोग क्या इस बार यहाँ पर चाहते हैं? हेमंत जी ने जो कहा वो सही कहा कि प्रशासन आके देख ले कि किस तरह की व्यवस्था यहाँ पे है। आदमी नौ दिन अरे जो है इंसान बैठाता है, माता जी की पूजा आरती सब कुछ करता है और इस गंदे नाले में विसर्जन करना उचित नहीं है। हेमंत जी जो कह रहे हैं कि प्रशासन आके देख ले, अगर वो इसमें जबरदस्ती विसर्जन करवाता तो स्वयं आके विसर्जन करवाए। ठीक, जैसे मान लीजिए अभी जो है नगर पंचायत ये कह दे भैया हम इसको साफ सफाई जो है वो है पूरी तरह से करा देंगे, तो साफ सफाई सब कुछ करवा दे, पानी कहाँ से लाएगा? ये तो छोटी सी अरे वो तालाब तो है नहीं, बड़ी नदी है, पानी कहाँ से लाएगा? साफ सफाई कुल सब कुछ करवा दे लेकिन पानी कहाँ से लाएगा? पानी कहाँ से लाएगा? नहीं तो ऐसा जो हर साल भी होता है आप लोगों के द्वारा मांगी जाती है, लेकिन वो लोग जो है कहीं से इधर उधर से जो है टेबल उबल से जो है पानी यहाँ कहीं कहीं से जो हो जाता है। हर साल से अब की बार कम बरसात भी हुई है और हर साल से कम अब की बार पानी है, घुटने पंजा सिर्फ डूब जाए इतना पानी है, आप उधर देख लीजिए, मतलब हम लोग अरे उसको देखे हैं कि घुटने के नीचे ही पानी है, उससे ज़्यादा पानी नहीं है। कितना भी अगर पानी टंकी का पानी कहीं कहीं कोई पानी छोड़ा जाए वो व्यवस्था नहीं हो पाएगी। चलिए ठीक है, आपकी बात सही है। अब भाई साहब मौजूद हैं, आप केंद्रीय दुर्गा पूजा कमेटी के उपाध्यक्ष महोदय हैं, भैया जरा बताइएगा आपका क्या कहना है अभी यहाँ पर, जैसा कि जो अध्यक्ष महामंत्री और जागरूक बल्लू भाई ने बात किया, आप इस पर क्या कहेंगे, जरा आप इस पर अपना पक्ष दीजिएगा। हम ये कहना चाहते हैं प्रशासन से कि इस बार बरसात बहुत कम हुई है, पानी एकदम नहीं है, जो भी पानी है वो बहुत ही गंदा पानी है, नाले का पानी है और इसमें दुर्गा जी की प्रतिमाएं विसर्जन नहीं हो पाएंगी। सैकड़ों मूर्तियां जो है इस नदी में विसर्जन किया जाता है, हर साल थोड़ा बहुत पानी रहता था, इस बार एकदम नहीं है और पानी बहुत ही दूषित है और दुर्गा जी की प्रतिमाएं इसमें विसर्जन नहीं हो पाएंगी। हम प्रशासन से यही चाहते हैं कि आस्था को देखते हुए हम लोगों को दिलासीगंज का घाट वो हम लोगों को उपलब्ध करा दे और जिस तरह से हम लोग नौ दिन माता जी का जो है पूजा पाठ करते हैं उसी श्रद्धा भाव से हमारा जिससे मूर्तियों का विसर्जन हो जाए, हम प्रशासन से यही
अनुरोध करते हैं और मांग भी यही करते हैं। तो ठीक है, चलिए कि जैसा कि यहाँ पर जो है केंद्रीय दुर्गा पूजा कमेटी के जो है पदाधिकारी और जागरूक व्यक्ति मौजूद हैं, और गोसाईगंज का महादेवा घाट है और उसी के बगल में तमसा नदी है। आप लोगों का कहना है कि हम लोग आस्था के साथ खिलवाड़ जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हर साल ऐसे होता है और इस बार अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग अपनी दुर्गा प्रतिमाओं का, नगर की दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन जो है यहाँ पर नहीं करेंगे, चाहे जो हो जाए। और ये लोग नाराज़ भी हैं। तो जैसा कि भाई साहब बताइएगा कि यहाँ पर जो दुर्गा प्रतिमाएं हर साल बैठती हैं जो, क्या आपकी बार कुछ यहाँ पर जो एक्स्ट्रा आएंगी, क्या जरा कुछ बताइएगा साठ में संक्षिप्त में? एक्स्ट्रा नहीं आती हैं, वो अहरौली क्षेत्र की मूर्तियाँ सीताराम घाट पे आती हैं, तो वो उस पार से आकर के वहाँ सीताराम घाट पे विसर्जन कर लेती हैं। बाकी यहाँ की सैकड़ों मूर्तियाँ लगभग 30-32 पंडाल में, एक पंडाल में किसी में 5, किसी में 3, किसी में सिंगल मिला के सैकड़ों मूर्तियाँ तो इसी घाट पे हो जाती हैं, और सैकड़ों मूर्तियाँ सीताराम घाट पे हो जाती हैं। मिला के 250-250 मूर्तियों का समागम यहाँ है व्यवस्था, और पानी की व्यवस्था ये है। अब ये समझ लिया, अब अहरौली वाली जो आती हैं वो तो मान लीजिए वहाँ से वहाँ चली जाएंगी, लेकिन पानी जब कहीं है ही नहीं है तो जाएंगी कहाँ पे, ये दशा है। चलिए ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने अपनी मांग को रखा है और इस बारे में हम जो है गोसाईगंज नगर पंचायत की ओर चेयरमैन से भी उनका पक्ष लेंगे, भाई इस बार आप लोग क्या यहाँ पर व्यवस्था कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग आज बड़े नाराज हैं और ये चाह रहे हैं अगर यहाँ पर इस बार समुचित व्यवस्था नहीं हुई तो हम लोग यहाँ पर दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन नहीं करेंगे। तो मैं अमित तिवारी, न्यूज़ 524 अयोध्या।